कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कैश लोन, क्या आपने भी इस टाइप के लोन ऐप को एप्पल स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है ये सोच के कि ये एक इंस्टेंट लोन है जो केवल आधार कार्ड पैन कार्ड लेके विद इन अ 5 मिनट आपको लोन दे देगा। एंड तो ये आपकी बहुत भारी गलती है। ये एक चाइनीज ऐप है जिनके कॉल सेंटर्स पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, जो इसी तरीके से इंडियंस को लोन देने के नाम पे आपके मोबाइल पे ऐप को इंस्टॉल करवाना, फिर आपका डाटा हैक करना और फिर विद इन अ 7 डेज आपको इस तरीके से डराना धमकाना, कॉन्टैक्ट पे फ़ोन मैसेज, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव पेरेंट्स को परेशान करना। अगर आप भी ऐसे किसी फेक ऐप को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर चुके हैं, सबसे पहले ऐसे ऐप को अनइंस्टॉल करें। पेमेंट नहीं करना है क्योंकि जितना आप पे करेंगे उतना और ज़्यादा फंसेंगे, उतना और ज़्यादा वो आपको परेशान करेंगे, उतना और मांगेंगे, ब्लैकमेल होंगे। इसलिए ऐसे किसी भी फेक ऐप से सावधान रहें। इनका ना कोई कस्टमर केयर होता है और ना ही कोई हेल्पलाइन होती है। ये इनका कोई किसी भी तरीके से लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, बिकॉज बहुत से लोग फेक ऐप के हेल्पलाइन कस्टमर केयर को गूगल पे सर्च करते हैं और फिर एक और फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तभी बार बार बताया गया किसी भी कस्टमर केयर को गूगल पे सर्च ना करें। और इनका जो कॉल सेंटर है वो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। अगर आपके पास एक्चुअल धमकी भरे जो कॉल मैसेज भी आएंगे वो आमतौर पर +92 इंटरनेशनल नंबर से आएंगे। इंडिया में जो कस्टमर केयर खुद को बताते हैं वो फेक होते हैं। एक बार जरा अगर वो कस्टमर केयर है उनसे पूछो कि आपकी कोई डिटेल भी है उनके पास, कुछ नहीं होता है। ऐसे किसी भी कस्टमर के बहकावे में ना आए वरना वो आपसे पैसे ठग लेंगे और एक और फ्रॉड हो जाएगा। अगर एक्चुअल धमकी भरे कॉल मैसेज आ रहे हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट या आपके आधार पैन कार्ड आपको दिखाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हाँ वो लोन ऐप से हैं और उनके पास आपकी डाटा है। अब उनसे कैसे बचें वो आपको बताया जाएगा, जिससे आपको ना उनको पैसे देने का टेंशन, ना कॉन्टैक्ट में फ़ोन मैसेज या ब्लैकमेलिंग का या कहीं से परेशानी का। इनके अगेंस्ट कहाँ कंप्लेन करना है, कैसे आप इनको रोक सकते हैं कॉन्टैक्ट में फ़ोन मैसेज करने से या परेशान करने से। बहुत से लोग ऐसे फर्जी ऐप्स के शिकार हर रोज़ होते हैं। एक्चुअली ये लोग सर्च करते हैं गूगल पे हो, एप्पल स्टोर्स पे हो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे इस टाइप के फर्जी ऐप्स के प्रमोशंस एड्स दिखाए जाते हैं, जिन पे क्लिक करके लोग ऐसे ऐप में अपना आधार कार्ड पैन कार्ड देके और एक साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। कोई बात नहीं, जानकारी के भाव में लोग फंसते हैं। अब इनसे कैसे बचना है, क्या करना है, ईच एंड एवरी थिंग आवर लॉयर इज़ गोइंग टू एडवाइज यू सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देयर रीपेमेंट और दे आर ब्लैकमेलिंग कॉल मैसेज टू यू और टू योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। वेयर टू रेज अ कंप्लेन अगेंस्ट दैम, वट आर द प्रिवेंटिव स्टेप यू हैव टू टेक इन दिस मैटर, कंप्लीट सॉल्यूशन आवर लॉयर इज गोइंग टू एडवाइज यू। जस्ट व्हाट्सएप अस द नेम ऑफ द ऐप एंड योर प्रॉब्लम एंड गेट अ कंप्लीट सॉल्यूशन। प्लीज अनइंस्टॉल द ऐप, प्लीज डोंट पे दैम, वी आर हेयर टू हेल्प यू। जस्ट व्हाट्सएप, फेक ऐप है, पेमेंट ना करें, ब्लैकमेलिंग से बचें और खुद को सेफ एंड सिक्योर रखें। हेल्प के लिए हमें मदद के लिए कॉन्टैक्ट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।